YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर्स को कब मिलता है पेमेंट? जब बात YouTube से पेमेंट पाने की आती है तो इन दो फेज को समझना बहुत जरूरी है, सेटअप फेज और पेमेंट की प्रोसेसिंग वाला फेज। अगर आपको YPP के लिए अप्लाई करना है तो AdSense for YouTube का अकाउंट सेटअप करना जरूरी है। YPP में शामिल होने के बाद आपको 4 स्टेप्स और पूरे करने होंगे। ये स्टेप सेटअप फेज का ही हिस्सा होते हैं, पेमेंट पाने के लिए इन्हें पूरा करना जरूरी होता है। चलिए एक एक करके हर स्टेप पर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम पेमेंट की टाइमलाइंस पर भी एक नजर डालेंगे। पहले स्टेप में आपके चैनल की कमाई $10 या आपकी करेंसी में $10 के बराबर होनी चाहिए। जब चैनल से इतनी कमाई हो जाएगी तब आपसे अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए आपको YouTube स्टूडियो में मौजूद कमाई करें पेज पर एक प्रॉम्प्ट दिखेगा। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको एक मान्य सरकारी फोटो ID सबमिट करना होगा। ID 45 दिनों के अंदर ही सबमिट कर दें, नहीं तो आपके चैनल पर कमाई करने का फीचर रोक दिया जाएगा। आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बाद आपको अपने पेमेंट एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपके बताए गए पेमेंट एड्रेस पर पोस्ट के जरिए 6 डिजिट वाला एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर PIN भेजा जाएगा। आमतौर पर PIN 2 से 4 हफ्तों में आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। हालांकि आपकी लोकेशन के हिसाब से इसमें और भी समय लग सकता है। जब आपको PIN मिल जाए तो उसे अपने AdSense for YouTube के अकाउंट में डालें। इसके लिए पेमेंट पर जाकर पहचान और पते की पुष्टि पर जाएं। अगर आपको 4 हफ्तों के अंदर PIN न मिले तो चेक कर लें कि आपकी अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट एड्रेस बिल्कुल सही हो। अगर इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है तो पेमेंट में जाकर सेटिंग पर जाएं। अगर अकाउंट डिटेल्स सही होने के बावजूद आपको PIN नहीं मिला तो PIN दोबारा भेजने की रिक्वेस्ट करें। इसके लिए AdSense for YouTube में पेमेंट पर जाएं, फिर पहचान और पते की पुष्टि में जाकर PIN फिर से भेजें को चुनें। ध्यान दें, PIN भेजने की रिक्वेस्ट 3 बार की जा सकती है। साथ ही पहली बार PIN जनरेट होने के 4 महीनों के अंदर अपने अकाउंट में PIN डालना होगा। 4 महीनों के बाद कमाई करने का फीचर आपके चैनल के लिए रोक दिया जाएगा। इसे फिर से शुरू करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये स्टेप्स पूरे होने पर आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगी जाएंगी। जैसे आपको कहा जाएगा कि AdSense for YouTube पर अपने टैक्स की जानकारी जोड़ें और पेमेंट का तरीका जोड़ें। YouTube पर कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स को अपने टैक्स की जानकारी देनी पड़ती है, फिर चाहे वे किसी भी देश में हों। अपने AdSense for YouTube अकाउंट में टैक्स की जानकारी जोड़ने के लिए पेमेंट पर जाएं। इसके बाद पेमेंट से जुड़ी जानकारी पेज में सेटिंग मैनेज करें पर जाएं। अब पेमेंट्स प्रोफाइल पर जाकर अमेरिका में लगने वाले टैक्स से जुड़ी जानकारी के बगल में मौजूद बदलाव करें पर क्लिक करें। इसके बाद टैक्स की जानकारी मैनेज करें पर क्लिक करें। अगला स्टेप है पेमेंट का तरीका, चुनकर उसे सेटअप करना। इसके लिए आपको पेमेंट का तरीका चुनने के लिए ज़रूरी थ्रेशहोल्ड तक पहुंचना होगा। अमेरिका में रहने वाले क्रिएटर्स के लिए यह थ्रेशहोल्ड है $10। लोकेशन और करेंसी के हिसाब से यह रकम अलग हो सकती है। पेमेंट का तरीका सेटअप करने के लिए AdSense for YouTube में पेमेंट पर जाएं, फिर पेमेंट का तरीका जोड़ें पर क्लिक करें। यहाँ आपको अलग अलग विकल्प मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र या चेक। आपको कौन कौन से विकल्प मिलेंगे यह आपके पेमेंट एड्रेस के हिसाब से तय होगा। ध्यान रखें, ऐसा भी हो सकता है कि आप पेमेंट का तरीका चुनने के लिए ज़रूरी थ्रेशहोल्ड तक तो पहुंच जाएं, लेकिन इस स्टेप के लिए एलिजिबल होने में आपको थोड़ा और समय लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कमाई को सबसे पहले आपके AdSense for YouTube अकाउंट में जोड़ना पड़ता है। यह काम कमाई होने के अगले महीने में 7 और 12 तारीख के बीच होता है। जैसे अगर आपने जनवरी तक $10 की कमाई कर ली तो आपको यह स्टेप पूरा करने के लिए 7 से 12 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद पेमेंट पाने के लिए आपको पेमेंट थ्रेशहोल्ड तक पहुंचना होगा। अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए यह थ्रेशहोल्ड है $100। लोकेशन और करेंसी के हिसाब से यह रकम अलग हो सकती है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पेमेंट पाने के लिए इन स्टेप्स को पूरा करना जरूरी होता है। अपनी आइडेंटिटी और पेमेंट एड्रेस को वेरीफाई करें,
टैक्स की जानकारी सबमिट करें, पेमेंट का कोई तरीका जोड़ें और अपनी कमाई को पेमेंट थ्रेशहोल्ड तक पहुंचा लें। इन स्टेप्स को पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए अगर आपको पेमेंट सेटअप से जुड़ी अपनी प्रोग्रेस चेक करनी हो तो YouTube स्टूडियो के कमाई करें सेक्शन में जाएं। इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद पेमेंट कब मिलता है? YouTube महीने के हिसाब से पेमेंट करता है। जब किसी महीने आपकी कमाई इकट्ठी हो जाती है तो उसका पेमेंट अगले महीने की 21 से 26 तारीख के बीच भेज दिया जाता है। वह पेमेंट आपके अकाउंट में कब तक आएगा, यह पेमेंट के चुने गए तरीके पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप अमेरिका में हैं और आपने जनवरी में $100 कमाए हैं तो आपको 21 से 26 फरवरी के बीच पेमेंट भेजा जाएगा। इसके बाद पेमेंट के चुने गए तरीके के हिसाब से यह तय होगा कि आपको पेमेंट कब तक मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर में 4 से 10 दिन लगते हैं, वायर ट्रांसफर में 15 कामकाजी दिन और चेक से पेमेंट मिलने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पेमेंट का स्टेटस क्या है और पेमेंट कब तक मिल जाएगा? यह जानकारी स्टूडियो के मोबाइल एप्लीकेशन में कमाई करें पेज पर दिखेगी। यह सिर्फ एलिजिबल क्रिएटर्स को दिखती है। इस जानकारी से आपको पता चलेगा कि पेमेंट आपके बैंक को भेज दिया गया है। अब वह आपके अकाउंट में कब तक आएगा यह पेमेंट के चुने गए तरीके पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर में 4 से 10 दिन और वायर ट्रांसफर वाले मामलों में 15 कारोबारी दिन तक लग सकते हैं। चेक से पेमेंट मिलने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। यह जानकारी आपके एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट में भी दिखेगी। अगले महीने की 21 से 26 तारीख के बीच इस खाते के पेमेंट पेज पर पेमेंट को मंजूरी मिलना बाकी है लाइन दिखेगी। इस बात का ध्यान रखें कि AdSense for YouTube अकाउंट में जानकारी कभी कभी ही अपडेट की जाती है, इसलिए हमारा सुझाव है कि आप अप टू डेट जानकारी पाने के लिए स्टूडियो एप्लीकेशन के कमाई करें पेज पर जाएं। YouTube एनालिटिक्स में जो रकम दिखती है और जो मेरे अकाउंट में आती है, उन दोनों में अंतर क्यों होता है? YouTube एनालिटिक्स में दिखने वाला रेवेन्यू सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है। यह चैनल पर की गई एक्टिविटी और हमारे एडजस्टमेंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। पेमेंट्स का मतलब होता है टैक्स वगैरह काटने के बाद आपको मिलने वाली रकम। आपको भेजा गया पेमेंट ही आपकी असल कमाई होती है। आपको यह रकम स्टूडियो के मोबाइल एप्लीकेशन में या AdSense for YouTube अकाउंट में दिखेगी। इसमें इनवैलिड ट्रैफिक, कंटेंट आईडी क्लेम्स, टैक्स और दूसरी वजहों से होने वाले बिलिंग एडजस्टमेंट्स के मुताबिक बदलाव किए गए होते हैं। ये बदलाव कुछ और वजहों से भी किए जा सकते हैं, जैसे अगर डेटा मिलने में देर हो जाए या पिछले महीनों की कमाई भी एक साथ आ जाए। अगर किसी क्रिएटर को डॉलर में पेमेंट नहीं मिलता है तो करेंसी कन्वर्जन रेट्स और उनके कन्वर्ट होने के दिन के हिसाब से भी कमाई की रकम अलग हो सकती है। पेमेंट पाने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।